शिवपुरी की करैरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रागी लाल का विरोध शुरू हो गया है और कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ से शकुंतला खटीक को टिकट देने जाने की मांग की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में करैरा से कांग्रेस के सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव चुनाव जीते थे, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने के बाद सिंधिया समर्थक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद कांग्रेस को इलाके में कोई योग्य प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बसपा की पृष्ठभूमि वाले प्रागीलाल जाटव को टिकट दे दिया है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेता प्रागीलाल के विरोध में मुखर हो गए हैं और कांग्रेस नेता शकुंतला खटीक को टिकट देने की मांग कांग्रेस से कर रहे हैं। करैरा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव का जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। पूर्व विधायक शकुंतला खटीक के समर्थकों ने प्रागीलाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रागीलाल पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। जब से श्रीमान सिंधिया जी पार्टी छोड़कर गए, उसमें जो लोग बचे हैं कैसे हैं वो सभी को पता है। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे व्यक्ति को सदस्यता दिलाई जो कभी ना जिसने कांग्रेस में काम किया ना भाजपा में काम किया। बीएसपी का व्यक्ति था, बीएसपी के उसके वोटर है। आज बीएसपी का वोट सबको पता है कि बीएसपी का वोट सिर्फ एक हाथी पर जाता है, चिन्ह पर गिरता है, व्यक्ति को किसी को नहीं जानते हैं। तो इसके पास ना तो कांग्रेस का वोट है, ना भाजपा का वोट है, ना वो जीतने वाले प्रत्याशी है। इसके बाद भी उन्होंने जानबूझ कर श्रीमती शकुंतला खटीक का टिकट काटा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।